मिथिला पेंटिंग पारंपरिक रूप से भारतीय महाद्वीप के मिथिला क्षेत्र में विभिन्न समुदायों की महिलाओं द्वारा बनाई जाती थी। मधुबनी कला मिथिला अर्थात बिहार में प्रचलित एक लोक चित्रकला है। इसमें महिलाओं की अधिक भूमिका होती है, इसलिए इसे महिलाओं की चित्र शैली भी कहा जाता है। बता दें कि इसकी उत्पत्ति बिहार के मिथिला क्षेत्र के मधुबनी जिले से हुई है, जो भारतीय महाद्वीप के मिथिला क्षेत्र में प्रचलित है। मिथिला पेंटिंग भारतीय चित्रकला की एक शैली है। यह पेंटिंग विभिन्न प्रकार के औजारों से की जाती है, जिसमें उंगलियों, टहनियों, ब्रश, निब पेन और माचिस की तिली और प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत दो तरह के चित्र बनाए जाते हैं। बता दें कि प्रथम भित्ति चित्र मुख्यतः दीवारों पर ही बनाए जाते थे और यह इसकी प्रारंभिक अवस्था थी लेकिन वर्तमान में मधुबनी चित्रकला इतनी व्यापक हो गई है क्योंकि यह भित्ति शैली से कागज, कपड़े और कैनवास पर उकेरी जाने लगी है। मधुबनी कला की 5 विशिष्ट शैलियां हैं: भरणी, तांत्रिक, गोडना और कोबहर। मधुबनी चित्रकला के 2 रूप प्रचलित हैं, एक भित्ति चित्र और दूसरा और रिपन चित्र। मधुबनी चित्रकला की प्रसिद्ध महिला चित्रकार हैं सीता देवी, गोदावरी दत्त, भारतीय दयाल, बुला देवी आदि। आपको बता दें कि मधुबनी पेंटिंग प्राचीन महाकाव्यों के लोगों और प्राकृतिक और दृश्यों और देवताओं के साथ उनके जुड़ाव को दर्शाती है। मधुबनी पेंटिंग में शाही दरबार के दृश्य और शादी जैसे सामाजिक आयोजनों के साथ साथ सूर्य, चंद्रमा और तुलसी जैसे धार्मिक पौधों जैसे को भी व्यापक रूप से चित्रित किया जाता है। मधुबनी पेंटिंग में कोई जगह खाली नहीं छोड़ी जाती। खाली जगहों में फूलों, जानवरों, पक्षियों और यहाँ तक कि ज्यामितियों डिजाइनों के चित्रों से भर दिया जाता है। बता दें कि मिथिला पेंटिंग व्यावसायिक रूप ले चुका है। इसमें पारंगत कलाकार आसानी से 12,000 से 10,000 रुपए की कमाई कर लेते हैं। मिथिला पेंटिंग युक्त परिधानों की डिमांड लोकल मार्केट से लेकर विदेशों तक फैल चुकी है। इसके जरिए महिलाएं घर बैठे बैठे कमाई कर सकती हैं। बता दें आपको कि बिहार की मिथिला पेंटिंग इन दिनों देश ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो चुकी है। मिथिला पेंटिंग से युक्त परिधानों की डिमांड अब लोकल मार्केट से विदेशों तक पहुंच चुकी है।